हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम आ चुके हैं बेना रोड पर स्थित एक कदम की डोंगरी मंदिर में। देखिए मंदिर आपको दिखाता हूँ, कितनी शांत जगह है, कितनी अच्छी लोकेशन है। और मैं हूँ और मेरी बाइक है, और इतना शांत है ना, इतना शांत है, ओनली चिड़ियों की आवाज़ें हैं यहाँ पर और किसी की आवाज़ नहीं है। आदमी भी बहुत ही कम मिलेंगे आपको, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं जाने वाला हूँ बेना रोड पर स्थित एक मंदिर है, जो कि बहुत ही अच्छा लोकेशन है, शांत लोकेशन है। 500 एकड़ समथिंग, वहाँ 500 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है वो मंदिर। लोकेशन भी पीसफुल है एकदम। वहाँ एक गौशाला भी है जिसमें कम से कम 500 से ज़्यादा गायें रहती है वहाँ पे। बहुत अच्छी लोकेशन है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, देख लेना। तो ये लोकेशन जयपुर से करीब 15 या 20 किलोमीटर दूर है। ये लोहा मंडी रोड है। ये चलिए लोकेशन में पहुँचते हैं, पहुँच के पे बात करते हैं वहाँ पे। ऐसे शांत शांत में चलने में मज़ा आ नहीं रहा यार, यहाँ तो गाना होना चाहिए एक अच्छा सा गाना। तो चलिए साउंड ट्रैक चालू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट, एंजॉय। फाटक बंद नहीं हुए यार, नहीं तो बहुत देर रुकना पड़ता है। नहीं है फाटक बंद, नहीं है, खुला है। चलो फटाफट से निकल चलते हैं, नहीं तो कोई पता नहीं है कब ये फाटक बंद हो जाए और ट्रेन आने लग जाए। जी हम आ गए हैं बेना रोड पे, और मेरे राइट साइड में आपको थोड़ी से दिखाता हूँ। बेना का रेलवे स्टेशन है हमारे राइट साइड में, मेरे ट्रेन भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। भाई शायद यही रास्ता है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि आए हुए मेरे को बहुत काफ़ी दिन हो गए, बहुत पहले आया था, उसके बाद में नहीं आया हूँ मैं इधर। कदम की डोगरी मंदिर सीधा, हाँ यही रास्ता है, कंफर्म हो गया। तो मैं क्या कह रहा था भाई, जयपुर इतना अच्छा शहर है, इतना अच्छा सिटी है, मतलब चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एकदम हरी भरी लोकेशन है, बिल्कुल हरा भरा, और बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में स्थित है हमारा जयपुर। मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पूरी जयपुर नगरी कैसे बसी हुई है एक पहाड़ी के बीच के अंदर, चारों ओर से पहाड़ी और बीच में जयपुर। ये हम आ गए हैं
कदम की डूंगरी मंदिर पे आपको दिख रहा होगा मेरे राइट साइड में, बहुत ही ग्रेट लोकेशन है, पीसफुल लोकेशन है, क्या शांत शांत जगह है, एकदम शांत। हम इधर से नहीं जाएंगे, ये गौशाले है, यहाँ पे चारों ओर कंपनियां, नई नई कंपनियां आके बसी हैं यहाँ पे, चारों ओर कारखाना ही कारखाना है। इसको अब इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गया है। और इधर है एक श्री राम वाटिका जो कि बहुत ही सुंदर गार्डन है। शिट, ये रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है मंदिर के ऊपर जाने वाला। चलिए आगे से देखते हैं। गाड़ी लगा देते हैं हम यहाँ, मैं आपको ये मंदिर दिखा दूँ एक बार यहाँ से कैसी लोकेशन है। उधर से मैं आया था, इधर से होता हुआ ऊपर मंदिर है, मैं इधर से जाऊंगा। चलिए फटाफट चलते हैं ऊपर। इधर से भी जा सकते हैं, इधर ज्योति के पास में भैया गाड़ी ऊपर लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं गाड़ी को, धन्यवाद। गाड़ी को ऊपर लेकर जा सकते हैं, मैंने पूछ लिया है इनसे, तो चलिए सीधा ऊपर गाड़ी को लेकर चलते हैं हम। इधर राम मंदिर, शिव मंदिर और राम मंदिर की इधर मूल मंदिर है इधर। ये है रास्ता ऊपर जाने का, बस तू बेदिनाना
बैठ के बातें करने की बहुत इच्छा हो रही है आपसे। इतना शानदार हवा चल रहा है यहाँ पे, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा। आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखा दूँ यहाँ का, ये देखिए। तो चलिए दर्शन हम कर लिए हैं, अब चलते हैं सीधे अपनी गाड़ी के ऊपर और सीधा निकलेंगे। चलिए अब निकलते हैं, गाड़ी को मैं बंद कर देता हूँ, गाड़ी बंद करके और न्यूट्रल कर देता हूँ और चलता हूँ सीधा ऐसे ही। ये निकल गए हम, गाड़ी बंद है, देखिए गाड़ी न्यूट्रल में है मेरी। ये चल रही है गाड़ी, कितनी स्पीड पकड़ ली, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 34, 35। अरे अरे हाँ, बच गया बच गया बच गया बच गया, 50 की स्पीड पकड़ लेती अगर नहीं ब्रेक लगाता तो। पशुपति गौशाला यहाँ पे है, कम से कम 500 से अधिक गायें और यह है गायों का चारा, अंदर की तरफ सारी गायें और उन गायों के जो गोबर है उन्हीं से खेती होती है यहाँ पे, पूरी खेती इधर से तरफ बंद है, इधर से ही निकलना पड़ेगा मुझे। ये रास्ता इसलिए बंद कर दिया क्योंकि फिर वो जितने भी कारखाने वाले हैं उनकी भी गाड़ी आती जाती थी इधर से, इसलिए रास्ता बंद कर दिया गया और मंदिर का सिर्फ एकमात्र एक ही रास्ता खोला गया ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं वो आ सके यहाँ पे। बड़ा नाइस लोकेशन भाई, क्या मस्त जगह है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, जय हनुमान जी, पेड़ ही पेड़, जय हनुमान जी, पेड़ ही पेड़। तो हमने कर लिए हैं दर्शन, अब मंदिर से हम निकल चुके हैं सीधा। I don't really know what comes next, I'm just doing my
stop. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out.